नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसके अलावा जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, दोनों ही सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स पूरा 8 पार्ट में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 5वां, और इससे पहले हमने इसी का पार्ट नंबर 4 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें इससे पहले के सभी पार्ट और अदर सब्जेक्ट के जो फास्ट रिवीजन है वो सभी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को इससे पहले वाले पार्ट को देख अवश्य लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये मान के चलिए 8 पार्ट आपने देख लिए तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस पॉइंट से जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, एक प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद जो है उसके गठन को लेकर के, कि बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था। 4 ऑप्शन भी दिए थे। तो अब इस वीडियो में आंसर की बात करते हैं, तो 1972 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका जो गठन हुआ था, इसके कुछ उद्देश्य भी रखे गए थे। क्या क्या उद्देश्य थे तो आप कहेंगे, सबसे पहले तो विद्यालय सुलभ कराना। ऐसा होता है ना कि बच्चों की बहुत से बहुत सी दूर दूर विद्यालय होते हैं, इसीलिए रखा गया था बेसिक शिक्षा परिषद जो है उसके अंतर्गत, कि विद्यालय सभी छात्रों के लिए सुलभ हो, आसानी से पहुँच सकें। दूसरा पॉइंट आपका, नामांकन में वृद्धि हो। ये पॉइंट आपका कहीं भी शिक्षा के प्रयास को लेकर बात की जाए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के लिए अलग अलग प्रयास किए गए थे, जैसे कि मिड डे मील आपका एक इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तीसरा हो जाएगा उपलब्धि प्राप्त करना। उपलब्धि क्या, जैसे कि एक अधिगम स्तर की बात की थी मैंने, न्यूनतम अधिगम स्तर, तो उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करना, उसको बढ़ाना, या और भी जो लक्ष्य रखे जाते हैं उनकी उपलब्धि प्राप्त करना, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। चौथा आपका हो जाएगा सतत शिक्षा, यानी कि ये भी कह सकते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो, और जो भी वर्तमान सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मांग हो उसको पूरा किया जाए। तो ये सभी आप 4 पॉइंट मेन मैंने एकदम बता दिए, वो याद रखिएगा। अब इन 4 से 6 या 8 कैसे बनाने वो आप खुद समझ सकते हैं, तो उसी से मिलते जुलते आप और पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी पॉइंट इसमें आप याद रख सकते हैं कि 10 जनपद जो है उनमें जो है लागू किया गया था, 10 जनपदों में लागू किया गया था। बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले मैं एक फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, वो फुल फॉर्म है आपकी ECEE। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सी होगा, ECEE, हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में लगभग 2 से 3 जैसे कि आपका SOPT है, DPEP, इन सबकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पटेल एक्ट। ये कुछ बहुविकल्पी में आपको कहीं कहीं पटेल एक्ट दे रखा है, तो इसे एक लाइन में अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, इसमें गुणवत्ता और परिणात्मक जो वृद्धि है उसके उद्देश्य से ये एक्ट जो है वो लाया गया था। गुणात्मकता और परिणात्मक वृद्धि के संबंध में पटेल एक्ट लाया गया था। क्या होता है, आपको थोड़ा सा भी अगर उसमें अंदाजा होता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें फिर और चीज़ें लिख सकते हैं। तो एकदम मेन पॉइंट इसमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से ही संबंधित है। नेक्स्ट है आपका KGBP, यानी कि KGBV, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहले तो सन कब आया, 2004 से लेकर के 5 आप जो है वो कह सकते हैं। किस कक्षा के लिए आया, तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो है उसके लिए था, और मुख्यतः बालिकाओं से संबंधित था। देखिए नाम में ही आ रहा है बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नाम में ही बालिका वर्ड आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे। अगर इसमें आप पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले कह देंगे कि बालिकाओं का जो नामांकन है उसमें वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन ले सकें, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आई थी 2004-05 तो एक समय ऐसा था कि जो बालिका शिक्षा है उसकी स्थिति में उतना ज़्यादा नहीं डेवलपमेंट हुआ था। अब तो बहुत तब भी हो गया है 2020 तक, तो यही सारी चीज़ें बालिकाओं की शिक्षा में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, नामांकन में वृद्धि हो, और क्या कह सकते हैं इसमें ठहराव आए, गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो ये सारे जो है इसमें उद्देश्य जो है वो रखे गए थे।
दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था कि बालक और जो बालिकाएं हैं, बालक और बालिकाएं उनको समान दृष्टि, मैंने शॉर्ट में बराबर लिख दिया है, समान दृष्टि यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, समान दृष्टि से देखा जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट में इनकी संख्या है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इनकी संख्या है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अब इसके संचालन से संबंधित कि संचालन इसका कौन करता है, किस विभाग से होकर सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आपका पहला पॉइंट आप लिखेंगे या ध्यान रखेंगे जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय जो समिति है एनजीओ या महिला समाख्या, तो ये सभी संचालन में सहयोग जो है वो आप कह सकते हैं प्रदान करते हैं या संचालन का कार्य करते हैं, इस टाइप से आप कह सकते हैं जिला स्तरीय समिति एनजीओ महिला समाख्या। और एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो केजीबीबी जो है यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसकी मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है, तो मॉनिटरिंग इसकी जनपद स्तर पर होती है, जनपद स्तर पर। और किसके द्वारा की जाती है, तो जो डाइट होती हैं उनके प्राचार्य की अध्यक्षता में, डाइट प्राचार्य इनकी अध्यक्षता में, ये नहीं इनकी अध्यक्षता में एक गठित जिला शिक्षा समिति जो है उसके द्वारा जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिला शिक्षा समिति के द्वारा। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इतने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान ये कक्षा 6 से 8 अवश्य ध्यान रखिएगा और बालिकाओं के लिए विशेषकर जो है ये ठीक सारी चीज़ें मैं रख करता हूँ। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपूर्ण साक्षरता मिशन से संबंधित। संपूर्ण साक्षरता मिशन से आपका एक प्रश्न बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसका प्रेरक वाक्य क्या होता है। संपूर्ण साक्षरता मिशन का जो प्रेरक वाक्य है वो आपका होता है एक पढ़ाए एक, ये इसका प्रेरक वाक्य है, ध्यान रखिएगा एक पढ़ाए एक संपूर्ण साक्षरता मिशन का प्रेरक वाक्य। अब संपूर्ण साक्षरता मिशन के अलावा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका कब आया था, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय लिखा हो और साक्षरता मिशन उसी प्रकार हो तो आप कहेंगे कब आया था, 5 मई 1988 को जो है वो आया था, 5 मई 1988 को। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, स्वयं से सोचिए, नाम से ही बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जैसे यहाँ पर साक्षरता मिशन लिखा है उससे ही आप समझ सकते हैं कि इसमें एक लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य था 2007 तक के लिए, तो 2007 तक साक्षरता जो है उसका 75% न्यूनतम स्तर जो है वो प्राप्त करना, ये इसमें जो है वो लक्ष्य रखा गया था, ये 2007 तक किसका, साक्षरता का 75%, साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। और इसी के अंतर्गत ही आपका 16 जनवरी, ये बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1989 को जो केरल राज्य है, कौन सा राज्य, केरल राज्य, इसको संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा इसमें की गई थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा 1989 में केरल में जो है वो की गई थी, और आप जानते हैं केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जनगणना भी आपकी पूछ ली जाती है काफ़ी बार, तो साक्षरता की ही जब बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 2001 की जो साक्षरता दर थी उसके अनुसार साक्षरता दर का प्रतिशत था 65.38%, और इसी से पहले जो आपकी जनगणना हुई थी 1991 में इसमें परसेंटेज था ये 52.21%। अच्छा, इससे ये भी एक अंदाज़ा लगता है कि कितना ज़्यादा विकास जो है वो हुआ है, तो ये आपका परसेंटेज हो गया। और यही अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 74.04% जो है साक्षरता दर आपकी देखने को मिलती है। सारी चीज़ें रफ करते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। जिन्होंने वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा,
सेकेंड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं अब हम सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में। इसके बारे में सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसका सन। तो 2001 से लेकर के 2002 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो चलाया गया था, यूपी गवर्नमेंट, इस टाइप में शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। कितने जनपदों में चलाया गया था? तो 16 जनपदों में जो है वो चलाया गया था। ये सब आपको याद करना होगा कितने जनपद हैं किसमें, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं याद होंगी, आपको समय लेकर डेली डेली रिवाइज करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये हो गया। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया था, वो आपको एकदम रटा होना चाहिए दिमाग में आपके। और लक्ष्य क्या रखा गया था? वो ये रखा गया था कि सन 2007 तक प्रारंभिक जो शिक्षा है, 2007 तक जो प्रारंभिक शिक्षा है और 2010 तक जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है, उच्च प्राथमिक शिक्षा, इसके या इन दोनों के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था। इन दोनों के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बिंदु लक्ष्य के तौर पर आप ध्यान रखिएगा। कोई पॉइंट भी सर्व शिक्षा अभियान से आता है तो ये आप पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं। अब इनमें योजनाओं के संबंध में बात करें, यानी कि किन किन बिंदुओं को लेकर इसमें योजनाओं पर बल दिया गया था, तो तीन पॉइंट आपको यह ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आपका होगा संस्थागत सुधार, दूसरा आपका पूर्ण पारदर्शिता मूल्यांकन, और तीसरा आपका बालिका शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर योजनाओं के संबंध में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। सारी चीज़ें अब करते हैं, बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि मध्यान्ह भोजन योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड डे मील, मध्यान्ह भोजन योजना। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर लाइव टाइमिंग भी बता देता हूँ। दोपहर के 3 बजे जो है वो सेकेंड सेमेस्टर की लाइव टाइमिंग है, जिनको नहीं पता है वो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स हम थर्ड सेमेस्टर का भी करा चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर का भी, फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका प्रमोट ही हो गया है, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम और होंगे, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ का कंप्लीट कोर्स आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, फिर भी यदि आपको ना मिले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फिर भी यदि आपको ना मिले तो आप फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि मुझे लिंक जो है सर दे दीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक सारी प्रोवाइड करा दूँगा। बात करते हैं अब मध्यान्ह भोजन योजना की। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको सन कि कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को जो है वो आया, 15 अगस्त 1995 को। अब इसमें अलग अलग चरण थे, तो अगर सबसे पहले बात करें प्रथम चरण की, तो इसमें आपका 38 जिले और 248 विकास खंडों में जो है इसे लागू किया गया था, 248 विकास खंडों में जो है इसे लागू किया गया था। फिर बात करें अगर स्टार्टिंग की, तो शुरुआत में जब ये आया था तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है वो था, यानी कि आप क्या कहेंगे प्राथमिक स्तर तक था। बाद में क्या हुआ, इसे और बढ़ाया गया, 6 से लेकर 8 तक भी इसे फिर बाद में बढ़ाया गया। ये जो है वो कक्षा है, स्टार्टिंग में कक्षा 1 से लेकर 5 तक, बाद में इसे कक्षा 6 से लेकर 8 तक बढ़ाया गया। अब इसमें अलग अलग डाटा भी है, जैसे कि अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो इसमें आपका 100 ग्राम खाद्यान्न जो है इससे निर्मित जो है होने को लेकर बात की गई थी। यहीं अगर उच्च प्राथमिक की बात करें, कक्षा 6 से 8 में आपका 150 ग्राम जो है वो यही आपका हो जाएगा, यानी कि जो खाद्यान्न से निर्मित सामग्री है उसके लिए यहाँ पर भार जो है वो दे रखा है, 100 ग्राम और 150 ग्राम। यहीं अगर बात करें कैलोरी की, जहाँ से आपका 2019 में लेटेस्ट में सबसे प्रश्न पूछा गया था, तो प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो इसमें कम से कम आपकी 450 किलो कैलोरी
शॉर्ट में मैंने लिख दिया है किलो कैलोरी, आप समझ जाइएगा 450 किलो कैलोरी और उसके साथ साथ 12 ग्राम प्रोटीन। ये क्या है? ये है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे को कम से कम पोषण प्राप्त होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। यही अगर बात करें उच्च प्राथमिक की, तो ये आपका 700 किलो कैलोरी, और बात करें अगर प्रोटीन में तो 20 ग्राम प्रोटीन। ये डाटा एकदम ध्यान में रखिएगा। इससे पहले मैंने आपका जो बैच है 2018 बैच, उसका जब पेपर हुआ था सेकंड सेमेस्टर का, तो मैंने फास्ट रिवीजन कराया था, उसमें ये सारी चीज़ें डाटा मैंने बताए भी थे। उनके जब पेपर हुए थे तो उनके यहाँ पर सारे जो प्रश्न आए हुए थे, यानी कि पेपर जो उनका हुआ था, उसमें ये सब जो किलो कैलोरी है ये पूछ भी लिया गया था। और मुझे याद है उस समय किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर ये भी कुछ पूछा जाता है क्या? जब पेपर में आया था वो पता नहीं कहाँ गया, जो मुझसे पूछ रहा था कि ये भी पूछा जाता है। पूछा कुछ भी जा सकता है, आप ये मत सोचिए क्या पूछा जाएगा। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वही बता रहा हूँ सारी चीज़ों से छाट कर। यही चीज़ अगर आप बुक में पढ़ें, किताबों में पढ़ें, तो पता नहीं इतना लेंदी लेंदी लिखा है, आप पढ़ते पढ़ते जो है वो बोर हो जाएंगे। उसको मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो एकदम छना हुआ भाग है। तो ये आपका मिड डे मील कम्प्लीट हुआ। एक बार इसमें जो मीनू होता है आपका मिड डे मील का, कि इस दिन ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको अलग से देख लीजिएगा। वो यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप इंटर्नशिप वगैरह में जाते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान सबसे पहले तो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में आपका 2004 में जो है वो आया था, परंतु SCERT में इसे दूसरे तरीके से लिखा गया है, वो है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006। तो ये आपकी SCERT बुक में दे रखा है, पर उत्तर प्रदेश के संबंध में अधिकतर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो वहाँ पर सभी जगह आपको 2004 को ही टिक करना है। स्कूल चलो अभियान में क्या सबसे खास था जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? तो आप कहेंगे प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन। नामांकन और भी जगह है, इसमें भी वही चीज़ है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, स्कूल चलो अभियान हो गया, साक्षरता मिशन हो गया, अधिकतर जगह क्या है? नामांकन में वृद्धि प्रत्येक बालक बालिका का, और क्या? जागरूकता फैलाना। ये भी सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ से इग्नू के संबंध में आपको याद होना चाहिए, AIGNOU। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है वो इग्नू की फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, 20 सितंबर तारीख भी आप याद रख सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल अधिकार के संबंध में। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है DLED में, कई बार सन पूछ लिया जाता है, कई बार बाल अधिकार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल अधिकार का निर्धारण कब किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? 10 दिसंबर 1950। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि UNO जो है इसने बाल अधिकार की घोषणा कब की थी? तो आप क्या कहेंगे? 20 नवंबर 1989। तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत सरकार ने इसे कब स्वीकार किया था? तब आप क्या कहेंगे? 11 दिसंबर 1992। और इसके अलावा ये जो आप सन देख रहे हैं 1950 वाला, ये सन आपको कहीं कहीं 1948 भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन अगर इस प्रकार से हो तो कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा, वहाँ पर लिखा रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम जो घोषणा है वो अंगीकार जो है वो की। तो ये भी आप कह सकते हैं अंगीकार करना और उसको घोषित करना उस सेंस में हो सकता हो, तो सन आपको देखने को मिलते हो। बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की कि आपके बाल अधिकार होते कौन कौन से हैं। ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका लघु में पूछा जाता है। सबसे पहले तो जो बालक है उनको ये अधिकार है कि उनकी राष्ट्रीयता उनसे ना छीनी जाए। दूसरा आप कह सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र का अधिकार होता है। राष्ट्र जो है जो बालक हैं या उसके जो नागरिक हैं उसके प्रति उत्तरदायी होता है। और आप क्या कह सकते हैं कि 15 से कम
जो आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के संघर्ष या युद्ध में ना लगाया जाए, वो सब निषेध है। पांचवा आप कह सकते हैं कि लैंगिक शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। छठा आप कह सकते हैं आर्थिक मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। सातवां आप कह सकते हैं जो नशीले द्रव्य हैं उनके उपयोग को लेकर निषेध है। आठवां आप कह सकते हैं अपहरण किसी बच्चे का या क्रय विक्रय खरीद बेच होता है ना काफी, तो उसको लेकर भी निषेध है। और नवा आप लिख सकते हैं कि किसी प्रकार के बच्चे को गोद लिया गया है तो उसके में बच्चे के हित का भी ध्यान रखा जाए। ये सभी बालक के अधिकार में आते हैं, इनको एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि लघु यहाँ से पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। ये आपका समाप्त हुआ बाल अधिकार। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है RTE, और RTE हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पार्ट का। उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आदर्शवाद प्रकृतिवाद को एक साथ देखेंगे ताकि ऐसा ना हो चीजें आपको समझ में ना आए क्योंकि चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है RTE। इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या कहेंगे आप, राइट टू एजुकेशन। कब आया था तो सन 2009 में जो है वो आया था। दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें कितने अध्याय हैं, तो आप कहेंगे 7 इसमें अध्याय हैं। और एक प्रश्न किसी से और जोड़कर पूछा जाता है कि इसमें कितने खंड हैं, तो आप क्या कहेंगे और इसमें 38 जो है वो खंड है, 7 अध्याय और 38 खंड। अब ये किस संशोधन संविधान या संविधान संशोधन के तहत आया है, तो 86वां संशोधन संविधान संशोधन कह सकते हैं जो कि 2002 से संबंधित है। इसमें संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 का जो है, नहीं का नहीं, यहाँ पर केवल 21 है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है इसे जोड़ा गया है। और अगली लाइन में से कहेंगे आप कि 21 के अंतर्गत 21 का इस टाइप से, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिवीजन है ना, तो 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है, जिसमें क्या है तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 7 अध्याय मैंने बताया था, 38 खंड बताए थे, तो ये अध्याय कौन कौन से होते हैं ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो भी रटे होने चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं कि ये पूछा जाए आपसे कि ये जो अधिनियम है ये पारित कब हुआ था, तब आप क्या कहेंगे 2009 तो है, उसके साथ साथ 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, पूरी डेट ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इन 7 अध्यायों की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे लघु में पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन जो है इसके जो अध्याय हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको तो नाम पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं अध्याय की। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं एक प्रश्न आपसे भी पूछूंगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मैं इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेकर आता रहूं, तो सभी का लाइक तो बनता ही है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। बात करते हैं कौन कौन से अध्याय होते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका प्रस्तावना, दूसरा आपका होता है निशुल्क और, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखता हूं मैं, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये आपका होता है दूसरा। तीसरा होता है आपका केंद्र और राज्य स्थानीय जो सरकार हैं और उसके साथ साथ अभिभावक हैं इनका दायित्व, ये मैंने अभी करके शॉर्ट में लिख दिया, इसको समझ जाइएगा अभिभावक लिखा है, इसलिए मैं साथ में बोलते भी चल रहा हूँ। चौथा होता है आपका स्कूल और शिक्षक जो है या शिक्षकों का जो है वो दायित्व,
पांचवा आपका होता है प्रारंभिक जो शिक्षा है इसका पाठ्यक्रम और उसके साथ साथ क्या लिखेंगे और इसका पूरा किया जाना, पूरा किया जाना। छठा वाला आपका होता है बाल अधिकार जो है इनका संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण। और सातवां और लास्ट होता है आपका अन्य प्रासंगिक बातें। तो ये आपके सात जो है टोटल होते हैं। सातों एक बार पढ़ लीजिए, प्रस्तावना, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, फिर केंद्र राज्य स्थानीय सरकार और अभिभावक जो है उनका दायित्व, फिर स्कूल और शिक्षकों का दायित्व, फिर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना, और बाल अधिकारों का संरक्षण, और सातवां अन्य प्रासंगिक बातें। तो ये जो आपके सात यहाँ पर अध्याय दे रखे हैं, इसमें एक अध्याय में अलग अलग खंड भी विभाजित हैं, तो ये टोटल मिलाकर टोटल 38 खंड जो है वो हैं। अब प्रश्न और ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो इन खंडों से भी पूछा जा सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप SCERT वाली PDF से पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, और बाकी जो आगे की चीजें वो भी पढ़ेंगे। आदर्शवाद चाहते तो इस पार्ट में पढ़ लेते पर ये अलग हो जाता, वो अलग हो जाता, तीनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको समझ में भी आएगा। वैसे भी वीडियो आपका 27 मिनट का हो गया तो ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो भी आप एक साथ ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो अभी तक 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं सभी लोग। इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिएगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि इनके बाहर से आपका एक भी प्रश्न आए। इससे पहले भी 2018 बैच के लिए जब मैंने फर्स्ट रिविजन कराया था तो जो जो पढ़ के गया था सारी चीज़ें उसमें जो है वो आई थी। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।